जिसको सुनते ही लोगों के मन में ख्याल आता है तो सिर्फ लूटने का, उसके बाद फिर चाहे उस चीज से कितना भी खतरा क्यों ना हो जान को, लेकिन उसे लेने से नहीं कतराते। और अगर बात हो मुर्गी की तब तो फिर चिकन प्रेमियों के लारी टपकने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला रतनपुर में। कोरोना वायरस के कोहराम के बीच रतनपुर क्षेत्र में मुर्गियों की लूट देखी गई, जहां कुछ व्यापारियों ने मुर्गियों को घने जंगल में जाकर छोड़ दिया। जैसे ही ग्रामीणों की इसकी सूचना मिली तो ग्रामीण मुर्गियों को लूटने जंगल पहुंच गए। देखते ही देखते जंगल में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। किसी ने एक तो कोई दोनों हाथों से मुर्गा पकड़ के बाहर आया। ग्रामीणों ने ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के डिप्टी रेंजर अजय यादव को मौके पर जाकर स्थिति देखने के लिए निर्देशित किए गए। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के डर से कारण मीट मछली व चिकन का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चिकन की बिक्री डूब गई है। हालत ये है कि चिकन 20 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन खपत नहीं बढ़ी और अब हालत ये हो गए है कि व्यापारियों को चिकन रखने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे में रतनपुर क्षेत्र के जंगलों में कुछ व्यापारी दोपहर के समय मुर्गियों को छोड़ आए और उन्हें लूटने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।